गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि पहली बार अपनी बड़े हाथी की जो है वो एक्स छोड़ के आनी पड़ेगी सर्विस सेंटर पे। एक तो उसका इंश्योरेंस क्लेम करना है यार, क्योंकि गाड़ी लग गई थी थोड़ी सी उस दिन, है ना। एक तो उसका इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, तो देख कर रहा हूँ, लगा कर रहा हूँ। नहीं एक्चुअली ये गाड़ी बड़ी गाड़ी है ना, तो ध्यान यहाँ रखना पड़ता है। तो पहले निकलते हैं बाहर, फिर करते हैं, बतियाते हैं आप लोगों से। हाँ देखना है कि हाँ कितना बन पाता है, मतलब कितना वो लोग रेक्टिफाई कर पाते हैं। अगर इनसे सर्विस में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो फिर आइंदा सर्विस अंदर नहीं कराएंगे, फिर अपन बाहर ही कराया करेंगे। ठीक है, जहाँ पे अपने दयाल भाई कराते हैं ना, उस भाई को पकड़ेंगे, उनके यहाँ कराएंगे जो है ना। वो ट्रेनिंग दे रहे थे भाई कुत्ते को। तो अभी ऑलमोस्ट पहुँच गए सर्विस सेंटर। ये घोड़ा चौक बोलते थे इसको पहले, अब तो घोड़ा चौक तो मतलब बदल ही गया। यहाँ पे कोई घोड़ा नहीं है, चौक नहीं है, कुछ नहीं है। ये फ्लाईओवर बना दिया ऊपर से, ऐसे ही मैं अतुल कटारी चौक से आया अभी पीछे से, वहाँ भी फ्लाईओवर बना दिया है। इस तरफ सेक्टर 14 है, इस तरफ ये राइट साइड में, और IDC है, 10 IDC। और ये आपका सीधा इस तरफ वाला जो रास्ता है, ये पूरा का पूरा आपका वहाँ चले जाता है इफको चौक, और सामने सिग्नेचर टावर है ना भाई। गाड़ी जा रही है सर्विस टेस्टिंग के लिए। ये अब कैर काम का भाई है पढ़ाई, ये तो यकीन है। सजा जाए क्या नाम इनका, खड़े हैं ये ऑफिस के ना, ये अच्छा ओनर है क्या नाम इनका। तो भाई इसमें देखो, तो एक तो फैन बेल्ट की आवाज़ है आ रही। हाँ, अगर हल्की रहेगा ना स्पीड क्लच दबा के, तो फैन बेल्ट आवाज़ करे एक तो इसकी, ठीक। दूसरा रफ वेज आओगे ना, थोड़ा ध्यान तो सबको बंद कर दें इस साइड से ना, जो या तो शोकर है या फिर सस्पेंशन है, कट 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 की आवाज़ आवे इसमें। और बाकी बॉडी साउंड तो खैर है ही है जो। उस टाइम में और ये जो तीन चार फूफू है ये पूरी बॉडी में, ये तो है ही। अच्छा पहले तो रुपड़ो टूटा फूटा था, पहले तो काफ़ी काफ़ी सालों के बाद आया हूँ मैं यहाँ पे। ये बनाया भाई लिस्ट, 13,500 खर्चा प्लस GST के भाई। पहुंच गए सर्विस सेंटर महिंद्रा के, और सब गाड़ी टंगी पड़ी है भाई यहाँ पे। देखते हैं चाबी वाबी सर्विस के अंदर है, ठीक है। अब जरा मिलते हैं इनसे, बताते हैं क्या क्या करना है। दे दिए भाई सर्विस पे, खर्चा बता दिया 14,000 रुपये का पहले ही, नॉर्मल सर्विस कह रहे हो तो कुछ ऐसा नहीं है, इंश्योरेंस अलग है। अब महिंद्रा में ये है कि भाई खर्चा मोटा होता है। ये है गाड़ी, अब निकलते हैं ऑफिस की तरफ। कहाँ से भैया, अब कौन सी जगह, फिरोजाबाद। क्या बात है, चूड़ियों के शहर से बात है। चूड़िया मंदिर ना आपके शहर में फेमस, स्वर्ण नगरी भी कहते थे आपके यहाँ, कहते थे सोना उसमें गलियों में बहता है आपके यहाँ पे, ऐसी कहावत है पर उसमें चले। वो कलर की वो कांच की वो जरी बहती है हाँ ना। सही है। कितना दूर लगता है, कितना दूर पड़ता है अभी यहाँ से फैजाबाद तक गाड़ी से जाए तो, फिरोजाबाद फैजाबाद नहीं फिरोजाबाद, सॉरी। हाँ 4 घंटे मैक्सिमम है। अच्छा कहाँ कहाँ से जाते हैं यहाँ से, आप चाहे पुराने वाले रोड से जाओ मथुरा वाले से, एक्सप्रेस अच्छा वे से जाओ तो फिर नोएडा जाना पड़ेगा। यहाँ से अच्छा है कि आप पुराने वाले से निकलो, वही ठीक है। अच्छा आगरा से कितना दूर पड़ता है। आगरा से तो 30-40 किलो, 40 किलोमीटर है। अच्छा बढ़िया। गुड मॉर्निंग, आप लोगों का स्वागत है नए व्लॉग में। और आज भाई मेरे साथ हैं व्लॉग शेयर करने के लिए शिवांश। शिवांश जा रहे हैं आज ऑफिस, स्कूल वाले ऑफिस है ना,
स्कूल वाले ऑफिस, तो शिवांश को आएगा मज़ा। तो चलो आज शिवांश को पहले स्कूल छोड़ के आते हैं, वहाँ पे शिवांश अपने स्कूल वाले ऑफिस का काम करेगा, उसके बाद फिर अपन निकल जाएंगे ऑफिस के लिए, अपने अपने स्कूल वाले ऑफिस के लिए। बाबू आज क्या करने वाले तुम स्कूल में? आज अच्छा, और फिर उसके बाद? उसके बाद हम बात करेंगे, फिर हम दूसरे में गांव जाएंगे। ओके, तो आपका स्कूल तो बड़ी अच्छी जगह, ग्रीनरी है पूरे चारों तरफ, बहुत सारे पेड़ हैं आपके स्कूल के पास तो है। हाँ। चलो बढ़िया, तो आपका स्कूल तो आ गया है? हाँ, ये आ गया बच्चों का स्कूल भाई। अब शिवांश को यहाँ उतारते हैं, उसकी अटेंडेंस होने वाली है स्कूल की, वहाँ पे तो झूला लगा हुआ है शिवांश तुम्हारे यहाँ तो कुछ है बेटा। चलो चलते हैं फिर आज। हाँ, हर्ष के साथ बैठते हो तो आपके तो वीडियो बन गई फिर आज तो। भाई अब ऐसा है कि हम लोगों को ना थोड़ा सब्र भी रखना चाहिए यार, रोड पे ना, क्योंकि हम डेली का काम है भैया यही, सुबह से शाम तक भागा दौड़ी का, सुबह जाओ शाम जाओ, गोदो सुबह सुबह भी एक डेढ़ घंटा सड़क पे रहते हैं, शाम को भी और दिन में भी काम की वजह से। अब होता क्या कि हम इस चीज़ में ना बहुत सारी चीज़ देखता हूँ मैं, जहाँ पे लोग ना बेसिकली करते क्या कि सब्र नहीं करते। अभी पीछे चौराहा था, अगर छोटी सी गलती के चक्कर में वहाँ पे घंटों का जाम लग गया था, अभी एक बंदा निकल रहा तो निकल जाने, तो भाई उसको थोड़ी देर वेट कर लो यार, नहीं पर मुझे पहले निकलना है, उस चक्कर में क्या होता है फिर अगले आधा आधा घंटा का तक खड़े रहते लोग बाग। तो दोस्तों आज ना गुड़गांव में थोड़ा मतलब देखा जाए तो ट्रैफिक थोड़ा कम है कंपेरेटिवली, जो नॉर्मली जाम मिलता है वो आज मिला ही नहीं। गुड़गांव की बात कर रहा हूँ सिर्फ, नहीं ओनली ब्रेड जाम सिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शायद गुड़गांव में इलेक्शन चल रहे हैं ना, उसके चलते काफ़ी ऑफिसेज बंद भी हैं हरियाणा गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से। ऑफिस पहुँचने से थोड़ी देर पहले ही सारी कसर पूरी कर दी जाम ने, क्या भयंकर जाम लगा हुआ भाई, 20-25 मिनट से वो अब 100-200 मीटर ही लाऊं।